नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिग्नल और सिम्टम्स के बारे में जो ये बताते हैं कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की जो रैम है उसका अंतिम समय आ गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका लाइफ स्पान पूरा हो गया है। अब समय आ गया है कि अब रैम को रिप्लेस कर लिया जाए। जी हाँ दोस्त, जिस तरह शरीर में कुछ बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स जरूर होते हैं, जैसे वायरल हो गया तो बुखार, बदन दर्द वगैरह। इसी तरह कंप्यूटर में भी अगर कोई हार्डवेयर खराब हो रहा है या फिर खराब होने वाला है या फिर फॉल्टी हो गया है तो आपको कुछ साइंस या फिर सिम्टम्स जरूर देगा। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं या तो वो काम करना बंद ही कर देते हैं या फिर फॉल्टी होने पर कुछ सिम्टम्स जरूर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स की जो ये बताते हैं कि रैम अब खराब हो रही है या फिर हो चुकी है और अब इसे बदलने की जरूरत है। तो गाइस बात करें अगर अपने सबसे पहले सिम्टम्स की, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस का कम होना सबसे एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। अगर आप अपने कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर एकदम बढ़िया स्टार्ट हुआ है, बढ़िया स्पीड के साथ, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे आप उसको लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो वो स्लो होता जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक बड़ा इशू हो सकता है। वैसे तो इस तरह की प्रॉब्लम ये शो करती है कि आपके सिस्टम में कुछ ऐसी ऐप रन हो रही है जो मेमोरी इंटेंसिव ऐप है, मतलब कि जो आपके सिस्टम की रैम को ज्यादा कंज्यूम कर रही है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में रैम ही खराब है, लेकिन इसको चेक किया जा सकता है। अगर ऐप की वजह से या फिर किसी वायरस की वजह से ऐसा हो रहा है तो आप टास्क मैनेजर से मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका रैम कंजम्पशन क्यों ज़्यादा है, कितना रैम, कितना सीपीयू, कितना स्टोरेज कंज्यूम हो रहा है। अगर उनमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो वहाँ पर हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते कि हमारी रैम खराब है। टास्क मैनेजर से हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो ये किस ऐप की वजह से, किस फाइल की वजह से हो रही है, तो हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी कंडीशन में ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ ठीक है, यानी कि टास्क मैनेजर में सब कुछ ठीक है, फिर भी हमारा सिस्टम स्टार्ट बढ़िया होता है लेकिन धीरे धीरे स्लो होता जाता है, तो वहाँ पर एक रैम का इशू हो सकता है। फिर इसमें किसी भी ऐप का हाथ नहीं है, आपको रैम रिप्लेस कराने के बारे में सोचना चाहिए। बात करते हैं अपने दूसरे सिम्टम की, यानी कि अगर रैम खराब हो तो उसका दूसरा सिम्टम क्या हो सकता है। दूसरे सिम्टम में आपका जो कंप्यूटर है वो रैंडमली क्रैश हो जाता है। आपने ब्लू स्क्रीन तो देखी होगी, अब चाहे ब्लू स्क्रीन हो या फिर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा आपका सिस्टम, यानी कि क्रैश हो रहा है, आप अपना सिस्टम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि इस सिम्टम्स में भी हम ये तय नहीं कर सकते कि डायरेक्ट रैम खराब है क्या, इसके भी कुछ ट्रबल शूटिंग है। भाई बुखार जरूरी थोड़ा है कि नॉर्मल वायरल में ही आएगा, कोरोना में भी तो बुखार आ जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल फीवर है या कोरोना फीवर, तो वो तो उसके सिम्टम्स से ही पता चलेगा या फिर टेस्टिंग से पता चलेगा। खैर बैक टू सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी कि सिस्टम पे आते हैं अपने। अगर ब्लू स्क्रीन एरर आपके सिस्टम में तब आता है जब आप किसी स्पेसिफाइड या फिर इंडिविजुअल टास्क को आप रन करते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन को आप रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका हार्डवेयर खराब है या फिर आपकी रैम खराब है। इसके लिए वो ऐप या फिर वो टास्क जिम्मेदार हो सकता है जिसे आप रन कर रहे हैं और रन करते ही ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है। अब चाहे वो ऐप मालफंक्शन हो या फिर वायरस ने करप्ट कर दी हो जिसको रन करते ही आपका कंप्लीट रैम कंज्यूम हो रहा हो और आपका सिस्टम क्रैश हो रहा हो, ऐसा हो जाता है। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे, तो आप ये तब पता लगाएंगे कि आप पूरे टाइम तो अपना सिस्टम प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे किसी ऐप पे या फिर किसी आपने टास्क पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया और आपका सिस्टम क्रैश हो गया, दैट मीन वो ऐप मालफंक्शन है आपका सिस्टम में। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, रेंडमली कभी भी कैसे भी थोड़ी देर में अपने आप एरर आ जाता है, ब्लू स्क्रीन आ जाती है और आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है, तो यहां पर रैम एक इशू हो सकता है, यानी कि रैम का टाइम आपका पूरा हो चुका है, आप इसको बदलवाने की तरफ ध्यान दें। और ऐसा करने से पहले भी आप ये भी चीजें ट्राई कर सकते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल करके देख सकते हैं, रैम को अगेन रीप्लग करके देख सकते हैं, रीसेट करके देख सकते हैं। ये सब चीजें जब आप कर लें तो उसके बाद आखिरी ऑप्शन बचता है कि अब आपको रैम ही चेंज करनी है, ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको लगातार क्रैश आपका सिस्टम हो रहा है तो। अब बात करते हैं अपने तीसरे सिम्टम की, यानी कि अगर आपके सिस्टम में रैम खराब है तो तीसरा सिम्टम क्या हो सकता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा बीप साउंड के बारे में। ज्यादातर मदरबोर्ड स्टार्ट होते टाइम एक बीप साउंड देते हैं जो काफी कुछ इंडिकेट करता है। इस बीप साउंड का मतलब अलग अलग बायोस मैन्युफैक्चरर के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन सा मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं और मदरबोर्ड आपका कौन सा बायोस यूज कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी ने मदरबोर्ड बनाया है आप उसमें उसी कंपनी का बायोस यूज कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि कौन से मदरबोर्ड में कौन सा बायोस, कौन सी कंपनी का बायोस इंस्टॉल किया गया। नॉर्मली अगर हम बात करें ज्यादातर केसेस में, अगर जब आप अपना सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको तीन शॉर्ट बीप टूं 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 इस तरीके से एक साथ सुनाई देता है, तो यहाँ पे ये एक रैम का इशू होता है, यानी कि आपको अपने सिस्टम की रैम को एक बार या तो रीसेट करना पड़ता है और उसके बाद भी अगर ये बीप नहीं जा रही है तो आपको रिप्लेस ही करना पड़ता है। ठीक है, बेहतर रहेगा कि अगर आपको कोई भी बीप साउंड सुनाई दे रहा है
और आप उसको नहीं समझ पा रहे, नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, तो आप जिस कंपनी का मदरबोर्ड या फिर बायोस आप यूज कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पर जाइए और उसके बीप कोड को आप एनालाइज कीजिए कि हाँ ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा कि इतने बीप साउंड कर रहा है तो उसका मतलब ये है। कुछ के एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी शो कर रहा हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, और आपको मेरे ब्लॉग पे भी मिल जाएगा डिटेल में कि हाँ ठीक है कितने बीप आने पे कौन सा संकेत होता है। तो तीसरा सिम्टम हो गया। अब बात करते हैं नंबर चार की, यानी कि सिम्टम नंबर फोर। चौथा सिम्टम ऐसा कौन सा हो सकता है कि ये दर्शाता है कि रैम आपकी खराब हो चुकी है या फिर खराब होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कंप्यूटर में कोई फाइल या ऐप यूज कर रहे हैं लेकिन वो फाइल या ऐप फ्रीक्वेंटली करप्ट हो रही है, यानी कि आपने कोई फाइल पे डबल क्लिक किया, उसको रन किया, थोड़ी देर बाद वो करप्ट हो गई और अब आप उसको ओपन ही नहीं कर पा रहे, तो एक क्लियर साइन हो सकता है कि आपके कंप्यूटर की रैम का अंतिम समय आ गया। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो सिस्टम की फाइल्स हैं वो करप्ट हो रही और आप उसको नहीं रोक पा रहे, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपका सिस्टम ऐसा क्रैश हो जाएगा कि वो स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर ये इशू किसी वायरस की वजह से नहीं है तो एक डिफेक्टिव रैम सिस्टम की हार्ड ड्राइव स्ट्रक्चर को पूरा डीजनरेट कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के सिम्टम देखने के कुछ टाइम बाद आप अपना सिस्टम स्टार्ट ही ना कर पाए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर आपको ये एनालाइज करना है कि आपके सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो तेजी से करप्ट तो नहीं हो रही हैं ऑटोमेटिकली, और वायरस के लिए भी आप स्कैन करें समय पे। ओके, अब बात करते हैं अपने पांचवें और आखिरी सिम्टम पे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण सिम्टम है जिसके बारे में अक्सर एनालाइज करते हैं। तो ये बहुत ही रेयरली होता है, अगर ये सिम्टम पाया जाता है तो रैम खराब होना निश्चित है। इस सिम्टम में आप जो एक्चुअल साइज की रैम यूज कर रहे हैं वो आपके कंप्यूटर में आपको शो नहीं होता, यानी कि सपोज आप 8GB की रैम यूज कर रहे हैं और सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाके, सिस्टम की स्पेसिफिकेशन में जाके जब चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी 5GB, कभी 4GB, कभी 6GB आपको शो कर रहा है। मैं यूजेबल रैम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कंप्लीट जो वहाँ पे शो करता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो दैट मीन कि वहाँ पर आपकी रैम में कुछ मालफंक्शन है, रैम आपकी फॉल्टी है और वह आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी फाइल्स को एक्सेस करने में और आपके सिस्टम को करप्ट करने में। तो इसका मतलब साफ यही होता है कि रैम रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया है। तो गाइज, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जो बहुत ही ऑब्वियस सिम्टम्स हैं रैम के खराब होने के और फॉल्टी होने के। हालांकि सिम्टम्स होने के बाद भी विंडोज आपको कुछ टूल्स ऐसे देता है जिससे आप अपने रैम को डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, यानी कि मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल जैसे कुछ ऐसे टूल हैं जो ये टेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं कि आपकी रैम एक्चुअल में खराब है या नहीं। इस पर कुछ वीडियोज मैंने आपको बना रखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो रन करके ये टेस्ट कर सकते हैं कि रैम आपकी कितनी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे को जरूर बताएं कमेंट करके ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और आगे कितनी हेल्प करने वाला है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।